हेलो गाइस, मैं हूँ समीर। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लाया हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले ऑर्किया का एक स्पीकर है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ना, मार्केट में इसका साउंड सुना था, मैंने इसको परचेज़ कर लिया। और आपको भी कभी स्पीकर देखा, DS48 है इसका, 38 या 48 जो भी है मॉडल नंबर है इसका, तो जब भी आपको देखे तो परचेज़ ज़रूर करना, अच्छा लगा मेरे को स्पीकर। बेस भी अच्छा है इसका, और इसके आप देख सकते हैं, इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे, डायमेंशन, बैटरी लाइफ भी अच्छी है इसकी। तो अब इसको फटाफट से हम अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या। वाटर रेजिस्टेंट डिज़ाइन है इसका, पर मैंने इसको पानी डाल के तो देखा नहीं कि रेजिस्टेंट है कि नहीं, मुझे कंफर्म पता नहीं है। लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम मैं ऑर्किया का स्पीकर मेरे को कोई सा अच्छा लगा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। और इसको ओपन करने के बाद मैं एक और चीज़ बोल दूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने वीडियो को हमारे लाइक नहीं करा तो फटाफट लाइक भी कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो देख सकते हैं इसके अंदर से एक बॉक्स निकला है, इसके अंदर से भी हम ये स्पीकर को बाहर निकाल लेते हैं। पहले कुछ ये बॉक्स है छोटा सा, इसके अंदर शायद ऑक्स केबल होगी या माइक्रो यूएसबी कनेक्टर होगा इसका चार्जिंग के लिए। फटाफट सब उनको भी बाहर निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ऑक्स केबल निकली है कनेक्टिविटी के लिए इसकी, इसमें काम आएगी स्पीकर के सॉन्ग्स प्ले करने में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और चीज़, ये है माइक्रो यूएसबी केबल, हाँ ये आपकी चार्जिंग के लिए दे रखी है इन्होंने। तो अब इन दोनों को हम साइड में रखते हैं स्पीकर की तरफ, ये आपके कीचेन टाइप, मतलब उसको रखने के लिए। अब हमारे स्पीकर पर आते हैं मेन, जो कि तो काफ़ी हैवी लग रहा है ये स्पीकर, तो मतलब वजनी तो है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा था इसका साउंड। तो इसको ओपन करते हैं फटाफट, और अब देखते हैं इसके कुछ ओवरव्यू देखते हैं। तो इसका डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा, मतलब रगेड डिज़ाइन है, काफ़ी हैवी भी है ये, और उसके फीचर्स भी काफ़ी, FM भी है इसके अंदर, आप देखना चाहता है FM, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अच्छा स्पीकर लगा। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ मैनुअल मोड सिलेक्शन है, और यहाँ आपको कुछ इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, ऑक्स केबल इंसर्ट कर सकते हैं, आप TF कार्ड, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, पेन ड्राइव और माइक्रो यूएसबी चार्जिंग अर्जिंग के लिए आपके लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा मेरे को इसका। और इसके ओवरव्यू की बात करी जाए तो अच्छे से ओवरव्यू करा जाए तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। और इसकी प्राइस बताइए तो प्राइस तो 1200 से अंदर ही मिल जाएगा आपको, मैंने तो 1190 रुपये का लिया है। तो काफ़ी अच्छा है ना स्पीकर, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा स्पीकर। तो साउंड भी काफ़ी अच्छा है इसका देखा जाए तो। और ये मैनुअल मोड सिलेक्शन बटन, ऐसे जोर के दबाएंगे तो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन भी होगा। तो फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे मेरे को इसके। और आपको मैंने बताया गया था इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ आप अपना चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी पेन ड्राइव लगा सकते हो, यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले करने के लिए मेमोरी कार्ड, और यहाँ ऑक्स केबल लगा सकते हो। तो अब हम इसके बाद चलते हैं इसके साउंड टेस्ट की तरफ, मतलब इसका साउंड कैसा है। सबसे पहले आपको बस एक ही चीज़ करना है, इसका साउंड तो देखना पड़ेगा ना, मतलब इसका साउंड कैसा है। तो हम चलते हैं साउंड टेस्ट की तरफ। तो आपको अपना फ़ोन लेना है, उसका ब्लूटूथ ऑन करके इसको कनेक्ट करना है, आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा सर DS38 करके, और सॉन्ग प्ले कर देना है। तो देख सकते हैं सॉन्ग प्ले करके देखते हैं इसका। सब देख सकते हैं इसका वॉल्यूम अप कर रहा हूँ मैं जोर से, मतलब इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, मतलब साउंड आ रहा है, मतलब इस वजह से आपको अच्छा स्पीकर आपको JBL के फर्स्ट कॉपी मिलते होंगे मैं मानता हूँ, जो कि मैंने पहले वीडियो में अनबॉक्सिंग भी करे उनके 2-3 के। लेकिन ये ओरिजिनल कंपनी का स्पीकर, मतलब फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल, माने इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन फिर उसके हिसाब से उन स्पीकरों से तो अच्छी हुई कि ओरिजिनल है, इसकी कोई फर्स्ट कॉपी नहीं होती, JBL की बन सकती है। अब JBL ओरिजिनल पर जाओ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।